प्रधानमंत्री हमारी पार्टी से सुख कुमार विशाखी राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के भागीदारी से मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब लोग सेक्टर बने हैं हमारे कमेटियाँ बनी हैं तो सब लोग इनकी ड्यूटी सेक्टर में सेक्टर को संभाल लें जिनकी ड्यूटी बूथों की है वो बूथों को संभाल लें और 5-7 दिन में एक एक घर में जाके अपने लोगों से मिल करके अपनी पार्टी के बारे में नाम निशान के बारे में और प्रत्याशी के बारे में जानकारी दें और खास करके जो हमारी पार्टी के विचार हैं जो एक दो लाइन में मैं आपसे कह दूँ एक समान शिक्षा पद्धति होनी चाहिए चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो वो पब्लिक स्कूल में पढ़े या प्राथमिक विद्यालय में पढ़े लेकिन पाठ्यक्रम एक होना चाहिए अलग अलग पाठ्यक्रम एक और दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण नारा है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सा क्या ये समझ के हिसाब से सबको हिस्सा क्या ये समझा जाए बाबू जी कि ये आगामी जो 2022 का चुनाव है उसका एक छोटा सा जो उदाहरण होगा जी हम लोगों ने 9 लोगों ने मिल करके 9 जो हमारे छोटी पार्टियां हैं अभी बहुत पार्टियां नहीं पड़ी नहीं है अभी मैंने 4-5 साल से शुरू किया ओम प्रकाश राजभर जी हैं कृष्णा पटेल जी हैं केवट राम धनीबेन जी हैं रामकरण कश्यप जी हैं बाबूराम पाल जी हैं और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी है हमारे अध्यक्ष हैं राजपू जी इन सब लोगों ने मिल करके हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा और भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत यहाँ भी कैंडिडेट हैं हमारे बागर में 9 में हैं सभी 7 सीटों में हम लोगों ने लेकिन सरकार के इशारे पर और जो और पार्टियाँ अपने बीजेपी का विरोधी कहती हैं लेकिन वो बीजेपी से मिल करके सपा भी बसपा भी और बीजेपी भी इन तीनों पार्टियों ने मिलकर के हमारे पर्चे 4 जगह खारिज कर निरस्त करा दिया अमरोहा में घाटमपुर में देवरिया में और मल्हारपुर कारण क्या रहा चाचा बाबूजी जो उनके पर्चे पर्ची इसलिए जबरदस्त घाटमपुर का मैं आपको घटना बताऊं घाटमपुर में हमारे एक साथी रिजर्व सीट है वो भी हमारे साथी ने जब पर्चा दाखिल किया तो 2 दिन पहले नामांकन के आखिरी दिन के 2 दिन पहले 14 क्वेश्चन दाखिल किया तो उसमें लिख के स्लिप देते हैं कि आप में क्या कमी है क्या नहीं तो उसने स्लिप दिया कि एफिडेविट में ओवर राइटिंग तो हमने दूसरा पर्चा दूसरे दिन भरा दिया दूसरा एफिडेविट दिया और दूसरा पर्चा भर दिया जो उसने कमियाँ कही वो हमने दूर कर दिया उसने रिसीविंग नहीं दी उन्हें कह दिया कि अब रिसीविंग तो हो गई अब आपका पर्चा ठीक और दूसरे दिन जो एफिडेविट था उसको उसने गायब कर दिया एग्जामिनेशन और कहा आप पहले वाला एफिडेविट सामने रख दिया कहा आपकी एफिडेविट में इसी तरह देवरिया में किया इसी तरह मल्हानी में किया इसी तरह अमरोहा में किया और बात यह है कि जो ये हमारे जो लोग जो बैकवर्ड क्लास है बैकवर्ड क्लास है या दलित ज़्यादा करके इसने बीजेपी को वोट किया कुछ इसमें है जो सपा को भी वोट करने वाले हैं तो इनको ये लगा कि अगर ये लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे तो उनका नुकसान इसलिए सोचे कि ये लड़े ना वोट का बंटवारा ना हो इसलिए उन्हें लेकिन हम हर